क्या आपको पता है कि आखिर ये क्या चीज है? और क्या आपको पता है कि आखिर ये शिप वहां पहाड़ पर कैसे चली गई? और क्या आपको पता है कि इंडिया में एक snapdeal.com नाम का गांव भी पाया जाता है? आप इस वीडियो में 10 ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी कभी कोई इंसान स्पेस में रोने लग जाए तो उसका क्या होगा? जीरो ग्रेविटी में बहुत सी चीजें धरती से तो ऑपोजिट रिएक्ट करती हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए। इसमें ये एस्ट्रोनॉट ड्रिंकिंग वाटर का यूज करके हमें ये बता रहा है कि अगर हम स्पेस में रोने लग जाएं तो हमारे आंसुओं का क्या होगा। दरअसल जो हमारे आंसू हैं वो हमारी आंखों के नीचे इकट्ठा होते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये सब तो आप जानते होंगे कि भविष्य में आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नजर आने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में तो पेट्रोल और डीजल जल्द ही खत्म होने वाले हैं। तो और धीरे धीरे समझदार लोग तो अपने पेट्रोल वाली कार को बेच के इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को भी काफी फायदा मिल रहा है। बट क्या आपने कभी सोचा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से सिर्फ छोटे व्हीकल्स ही नहीं बल्कि भारी भरकम ट्रक्स भी चलाए जा रहे हैं? इस ट्रक की फिलहाल तो अभी सिर्फ जर्मनी ही टेस्टिंग कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन ट्रक्स को आम सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इनके लिए अलग से ही हाईवे बनाए जाएंगे, जिससे जब भी कभी व्हीकल को चार्ज करने की जरूरत पड़े वो अपने व्हीकल को सड़क पर ही चलते चलते चार्ज कर सकते हैं। ऐसा करने से काफी देश जर्मनी की तारीफ भी कर रहा है। फैक्ट नंबर 8। सबसे पहले तो आप इस क्लिप को देखिए। अब आप में से कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये कोई कुदरत द्वारा बनाया गया करिश्मा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये इंसानों के द्वारा बनाया एक स्पिलवे है। इस स्पिलवे का नाम है बेरेसा स्पिलवे, जो कि कैलिफोर्निया शहर के लेक में पाया जाता है। इस स्पिलवे को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी कभी लेक में पानी सेफ्टी लेवल से ऊपर जाए तो सारा पानी इस स्पिलवे में चला जाए, जिससे शहर में पानी नहीं जाता। ये स्पिलवे इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से स्पिलवे को देखने आते हैं। इसमें जो सारा पानी जा रहा है उसको सिंचाई या किसी अन्य काम के लिए यूज कर लिया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये स्टोरी है 4 साल के एक बच्चे की, जो कि मार्वल्स के सुपर हीरो को बहुत पसंद करता था और खुद भी सुपर हीरो बनना चाहता था। बट उसे एक बीमारी के चलते उसका एक कान खराब हो गया और उसे सुनना बंद हो गया। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे अब हेयरिंग एड्स को लगाना पड़ेगा, बट उस बच्चे ने उसे लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो कानों में हेयरिंग एड्स को नहीं पहनता। फिर यही बात जब मार्वल्स वालों को पता चली तो उन्होंने एक ब्लू ईयर नाम का सुपर हीरो लॉन्च किया, जिसने अपने कान में हेयरिंग एड्स को लगाया होता है। उन्होंने दोस्तों उस बच्चे को ट्रिब्यूट किया, जिससे वो बच्चा भी हेयरिंग एड्स को पहनने लग गया और इस तरह ब्लू ईयर नाम के मार्वल कैरेक्टर का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 6। सबसे पहले आप इस मूर्ति को देखिए। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये कोई चूना पत्थर से बनाई मूर्ति है, बट ये बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस मूर्ति को पेपर के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम पेपर स्कल्पचर कहते हैं। देखने में तो ये मूर्ति एकदम चूना पत्थर की मूर्ति जैसी ही लगती है, बट जब इन मूर्तियों को तोड़ा मरोड़ा जाता है तब इन्हें पहली बार देखने वाला आदमी हैरान रह जाता है। इन मूर्तियों को सैकड़ों पेपर की मदद से बनाया गया है और इन मूर्तियों को बनाने के लिए अच्छे खासे हुनर की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के फेलिक्स हैम्पर को इस काम में महारत हासिल है। ये कागज की मूर्तियां पत्थर की मूर्तियों से काफी एडवांस है, जो कि तोड़ने मरोड़ने पर वापस अपनी शेप में आ जाती हैं। फैक्ट नंबर 5। अब आप में से कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शिप यहाँ इतना ऊंचा पहाड़ पर कैसे चली गई। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोई शिप नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया में पाया जाने वाला सन क्रूज नाम का होटल है। ये माना जाता है कि ये दुनिया का ऐसा पहला होटल है जो कि शिप की शेप में है। दरअसल इस होटल में 6 रेस्टोरेंट्स हैं और इसके नीचे समंदर भी है, जो कि इसका व्यू और भी अच्छा बना देता है। अगर आप इस होटल के अंदर एंटर करोगे तो इनका जो थीम सॉन्ग है वो कुछ ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि वो सचमुच समुद्र के अंदर ही आ गए हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसका नाम snapdeal.com है? जी हाँ दोस्तों, स्नैपडील वैसे तो इंडिया की एक ई कॉमर्स कंपनी है। दरअसल इस गांव के नाम के पीछे एक छोटी सी कहानी है। ये गांव यूपी में मुजफ्फरपुर जिले में है और इस गांव का नाम पहले शिवनगर था।
यहाँ पर पानी की काफी कमी थी और इस वजह से गांव के लोगों को बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। जब ये बात स्नैपडील वालों को पता चली तब उन्होंने इस गांव में 15 हैंड पंप्स लगवाए, जिससे गांव के लोगों को पानी अब दूर से नहीं लाना पड़ता था। फिर गांव के लोगों ने भी ये तय किया कि अब इस गाँव का नाम शिवनगर से बदल कर स्नैपडील रखा जाए। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप जब भी कभी शिमला मनाली गए होंगे या फिर टीवी में ही वाटरफॉल्स को जरूर देखा होगा कि पहाड़ों के बीच से पानी निकल रहा होता है, बट क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जिसमें वाटरफॉल हो रहा है? ये एक इंजीनियर द्वारा बनाया गया एक काफी इंटरेस्टिंग नमूना है जो कि आपको चाइना के शहर में देखने को मिलेगा। इस वाटरफॉल की हाइट तो लगभग 108 फीट है। दूर दूर से लोग इस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। दरअसल ये आर्किटेक्चर काफी महंगा है, इसे चलाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। जो मोटर इस वाटरफॉल के पानी को ऊपर चढ़ाती है वो एक घंटे में करीब 8000 रुपए की बिजली खपत करती है। फैक्ट नंबर 2। आपने देखा होगा कि कोका कोला के लोगो में ये जो रेड कलर है वो किस लिए है? ज्यादातर लोग तो ये सोचते होंगे कि ये कलर से लोगों को बढ़िया लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोका कोला के लोगो में ये जो रेड कलर है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि रेड कलर हमें अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बुल फाइटिंग में रेड कलर से बुल को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक वैसे ही मैकडॉनल्ड के लोगो में ये जो येलो कलर है वो दरअसल हैप्पीनेस और हंगर को दर्शाता है, और ठीक इसी तरह सैमसंग में जो ये ब्लू कलर है वो सेंस ऑफ ट्रस्ट को डिपिक्ट करता है। मतलब कि सीधा सीधा फैक्ट जो ये है, कोई भी बड़ी कंपनी के लोगो ऐसे ही नहीं बनाए जाते, बल्कि इसमें ढेर सारे राज भी छिपे होते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपने सावन के महीने में बारिश में खूब मजे किए होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बारिश के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि उसके साथ मछलियाँ भी गिर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आज भी दुनिया में कई जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर साल में 1 से 2 बार मछलियों की बारिश होती है। तो माना जाता है कि ये बारिश वाटर स्प्राउट की वजह से होती है, मतलब कि सीधा सीधा समुद्री तूफान, जिसे टोर्नाडो भी कहते हैं, उसकी वजह से ये मछलियों की बारिश होती है। वो अपने साथ मछलियां भी हवा में ले जाती हैं, और जब भी कभी बारिश होती है तो वो मछलियां भी साथ में ही गिरती हैं। हाल ही में ये फिशरीन सन 2016 में ऑस्ट्रेलिया के विंटन शहर में हुई थी।